नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वंतिका टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी किसान साथियों के लिए जो कि खेती करते हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम जिंक के फ़ायदे बताएंगे। किसान साथियों, कपास के अंदर किसान साथियों को कब जिंक डालना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और कब इसको फसल के अंदर डालना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा उत्पादन मिल सके, इस चीज़ के ऊपर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिंक की कमी के क्या लक्षण होते हैं। किसान साथियों, पत्तियों और शाखाओं के बीच में पीले पीले धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियां छोटी मोटी होकर ऊपर की ओर मुड़कर कप की आकृति ले लेती है। पौधा झाड़ीनुमा दिखाई देने लगता है। ये खास तौर पर सिम्टम्स हैं जो कि जिंक की कमी के कारण आप पहचान सकते हैं। किसान साथियों, फसल में जिंक ना डालने से फॉस्फोरस की जो क्वांटिटी है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जो मिट्टी का जो पीएच है वो बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि जिंक के फ़ायदे क्या हैं, किसान साथियों, सबसे पहला फ़ायदा है कि जो फाइबर है, मतलब कि जो रेशा है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की दोनों इम्प्रूव होती है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। साथ में जो टिंडा है वो जल्दी बन जाता है और जो पौधा है उसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है, साथ में उसकी जर्मिनेशन भी अच्छी होती है। उसके साथ साथ में जो टिंडे का जो वज़न है उसको भी ये कुछ हद तक बढ़ाता है और एक किसान साथियों को एक अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अब बात करते हैं किसान साथियों कि नरमा की फसल के अंदर जिंक कब डालना चाहिए। किसान साथियों, अगर सबसे सही समय की बात करें तो बुआई से पूर्व किसान साथियों के जो जिंक डालते हैं वो सबसे बेहतरीन और एक अच्छा उत्पादन किसान साथियों को मिलेगा, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादातर जिंक तब यूज़ किया जाता है पौधों के द्वारा जब वो छोटे होते हैं और वो फूल पत्ती उठाने से पहले तक का जो समय है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जिंक पौधों के द्वारा ऑब्जॉर्ब किया जाता है। अगर हम बात करें किसान साथियों की सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, तो किसान साथियों, आधी मात्रा जिंक की आप बुआई से पूर्व डालें और आधी मात्रा फूल पत्ती आने से पहले अगर आप जिंक की डालते हैं तो वो एक बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छी यील्ड आपको मिलेगी। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि किसान साथी कब डाल सकते हैं जो आधी दूसरी जो मात्रा रहती है, वो मात्रा किसान साथियों आप बुआई से 50 या 60 दिन के अंतराल पर आप उसकी दूसरी मात्रा डाल सकते हैं। जिन किसान साथियों ने अगर मिस कर दिया हो, जैसे कि बुआई के समय पर नहीं डाला है, तो वो किसान साथी 50 दिन बुआई के अंदर अंदर अपना जिंक की मात्रा डाल सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि जो किसान साथी ने बुआई कर दी है वो कैसे डालेंगे, किसान साथियों आप 0.5% का घोल बनाकर उसके अंदर 7 से 10 दिन के अंतराल पर जिंक डाल सकते हैं। किसान साथियों, एक और चीज़, एक चिलेटेड जिंक आता है और एक जिंक सल्फेट आता है। किसान साथियों, जिंक सल्फेट ज़्यादातर सिस्टमेटिक होता है जो कि पौधों के द्वारा डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब किया जाता है, वहीं एक चिलेटेड जिंक आता है जो कि पौधों को रूट के द्वारा ऑब्जॉर्ब किया जाता है। वहीं जिंक सल्फेट कुछ हद तक फॉस्फोरस की जो मात्रा है उसको रिड्यूस करता है, वहीं जो चिलेटेड जिंक है वो एनपीके के साथ घोलकर किसान साथी आराम से फसल के अंदर डाल सकते हैं। किसान साथियों, आप ये चीज़ समझिए कि जो चिलेटेड जिंक है वो अच्छा है एज कम्पेयर टू जिंक सल्फेट से। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि कितनी मात्रा किसान साथी डालें, डोज की बात करें, किसान साथियों आप 10 किलो एक एकड़ के लिए आप जिंक डाल सकते हैं बुआई से पूर्व। वहीं किसान साथी अगर फोलियर स्प्रे या फिर जो किसान साथी ड्रिप सिंचाई के द्वारा अपने पौधों को या फसल के अंदर जिंक डालना चाहते हैं, वो किसान साथी 100 लीटर पानी के अंदर 2 किलो यूरिया के साथ में 500 ग्राम जिंक घोलकर अपनी फसल के अंदर दे सकते हैं। ये एक कुछ हद तक कम से कम मात्रा और एक अच्छा रिजल्ट आपको इसके द्वारा मिल सकता है। किसान साथियों, ज़रूरी नहीं है कि आप नरमा की फसल के अंदर ही जिंक डालें, आप दूसरी फसलों के अंदर भी जिंक डाल सकते हैं, चाहे वे दलहन हो, तिलहन हो, अनाज हो या फिर किसी भी प्रकार की सब्जियां हो, सभी के अंदर आप जिंक डाल सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन किसान साथी ले सकते हैं। किसान साथियों, हमारी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पर जाकर अनेक प्रकार की नरमा से जुड़ी या कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी आप देख सकते हैं। नरमा फसल के ऊपर भी हमारी कई वीडियोस हैं, आप चाहें तो इनमें से किसी भी वीडियो को देख सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन किसान साथी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो किसान साथियों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई कीमती सुझाव या कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। धन्यवाद।